इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एक यंग लड़का अगर करे, क्योंकि यंग बार बार इसलिए हम कह रहे होते हैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर ख्वाहिश ही उनकी है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कि सूटेबल है, या आया आप ये भी कह सकते हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हैं? देखिए, मैं आता हूँ पहली बात पे, जहाँ पे आपने बात की है इन्वेस्टमेंट की। अब होता ये है कि जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है ना, वो इस तरह नहीं कि आपने एक ऑफिस लिया एंड वेरी नेक्स्ट डे आपने काम शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट ट्रैवल एजेंसी दो तरह की होती है, एक होती है आयाटा अप्रूव्ड, एक होती है नॉन आयाटा। ठीक है, आयाटा अप्रूव्ड अगर आप होना चाह रहे हैं, आयाटा का जो आपका लाइसेंस है इटसेल्फ वो तकरीबन 80-90 लाख रुपीज़ का आज तक हो गया है, आज की तारीख में। तो मेरा ख्याल है स्टार्टअप के लिए कोई बंदा भी जो है आयाटा अप्रूव अपनी ट्रैवल एजेंसी नहीं खोल सकता। फिर आती है नॉन आयाटा। नॉन आयाटा वर्क किस तरह करती है, सपोज करें मैं आयाटा हूँ, एक एक्स वाई जी बंदा है, उसने अपना स्टार्टअप करना है, वो अपना ऑफिस खोलेगा, जो बैक एंड पे स्टेप्स हैं कि पहले वो SEC जाके नाम रजिस्टर करवाएगा, सारी चीज़ें होगा, FBR होगा, IPO होगा, सारी चीज़ें क्लियर होकर सपोज करें ऑफिस उसका डेवलप हो गया, फिर वो मेरे साथ एफिलिएट हो जाएगा क्योंकि उसके पास अभी इतनी इनकम नहीं है। के साथ काम करेगा, एजेंसी आयाटा के साथ काम करेगा, बेसिकली एफिलिएट हो जाएगा, वो आयाटा नहीं होगा, उसकी क्यूरीज साथ एसोसिएट हो जाएगा, उसकी क्यूरीज जो सपोज करें जो भी काम उसका होगा वो होगा मेरे प्लेटफॉर्म फ्लैट टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे होगा, नाम आपका यूज होगा, क्लाइंट उसका होगा, आपस में ऐसे ही है। एंड जो आपकी दूसरी बात है फ्रीलांसर की, बिल्कुल हमारे काम में फ्रीलांसर काम किए जा सकते हैं क्योंकि हर बंदे की अपनी PR है। एक बंदा है एक्स वाई जी, वो मुझे कहता है जी कि मैंने स्टार्टअप करना है, मैं आपके साथ एज ए फ्रीलांसर आना चाह रहा हूँ। अब वो किस तरह आ सकता है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरे ऑफिस में आएगा, हमारे ऑफिस में एग्रीमेंट होगा, MOU साइन होगा कि यार ये आपके आपके बिहाफ पे जो बंदे आएंगे या जो सेल आप लेके आएंगे इसका जो है कुछ परसेंट मैं रखूँगा, बाकी आप रखेंगे, आप काम करें। अब उस इस एग्रीमेंट में उस बंदे का फ़ायदा क्या है, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया, उस बंदे को एक ऑफिस है जो कि 20-25 साल से 30 साल से कोई भी ऑफिस है, उसको एक चीज़ यहाँ मिल गई है, वो हमारा नाम यूज़ कर सकता है, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी स्पेस यूज़ कर सकता है, यहाँ से काम कर सकता है। हमें क्या फ़ायदा इसका कि हमारी सेल्स हो रही है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गया, ऑब्वियसली आपकी हमारी तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। हो सकता है उस बंदे की PR बहुत अप लेवल की हो और हमारा ऑफिस का नाम वहाँ तक चला जाए, तो ऑब्वियसली बात है PR हमारी बढ़ गई, हमारे प्रोफाइल बढ़ गया, काम वो कर रहा हो, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, हमारे पास इस वक्त आप कहें कि 8 से 9 फ्रीलांसर्स हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, एंड डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं। तरीकाकार बनाते हैं कि ये हमारे साथ पूरे एसोसिएटेड हैं, या कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा लीगल डॉक्यूमेंटेशन, उनको हम एज अ फ्लैट टुगेदर में जो है एम्प्लॉय शो करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन काम वो आपके साथ यानी कि ऑफिस बेस्ड नहीं होते, अगर वो चाहें रिमोटली काम करते हैं, अगर वो चाहें तो वो हमारे पास आके बैठ सकते हैं। इस वक्त मैंने जो बताया 8 से 9 लोग काम कर रहे हैं, 5 से 6 लोग हमारे साथ ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 से 4 काम कर रहे रिमोटली।